ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने पर बयान आया, कहा इस दौरे से भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। नवाज शरीफ को इमरान खान ने भगोड़ा घोषित किया, नवाज फिलहाल लंदन में बीमारी का इलाज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार नवाज शरीफ ने हाईकोर्ट से मिली जमानत के नियमों का उल्लंघन किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को कोरोना के खतरे से आगाह किया, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाने का ऐलान किया। 42 देशों में फैल चुका है कोरोना, 23 लोग ऑस्ट्रेलिया में संक्रमित। थाईलैंड में विपक्षी राजनीतिक दल को भंग करने के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया, बैंकॉक में सरकार का विरोध किया, लोकतंत्र को खत्म करने की सरकार पर आरोप लगाया। यूरोपीय देश ग्रीस में कोरोना ने दस्तक दी, इटली से एक महिला संक्रमित पाई गई, इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मेक्सिको के कोजुमेल में क्रूज के रोके जाने का विरोध किया लोगों ने, करीब 6,000 लोग इसमें सवार हैं, कोरोना की वजह से इस क्रूज को रोका गया है। पनामा पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, 5 टन अवैध ड्रग जब्त की, सबमरीन बोट से इसे बरामद किया गया, 4 कोलंबियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। कोलंबिया में एक 9 महीने के बच्चे को रेस्क्यू किया गया, भूस्खलन के बाद 6 लोगों की मौत हो गई थी, 12 लोग लापता हैं, लेकिन यह बच्चा फंस गया था जिसे बचाया गया। ब्राजील के पारंपरिक रियो के कार्निवाल परेड का समापन हो गया, विजेता का ऐलान हुआ। यह खिताब ब्राजील सांबा स्कूल के यूनिडोस 2 विरादोरो के नाम रहा। बेलारूस के मिन्स्क में अनोखी बियर्ड एंड मोस्टेज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 12 देशों के 90 खिलाड़ी शामिल हुए, एक से एक मूछें देखने को मिली।